नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फॉक्सी थ्री फेवरेट फार्मिंग में, और लेके आया हूं किसानों के लिए कमाल की मशीन। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है मूंगफली निकालने की मशीन। ठीक है, इसमें इस मशीन से आप मूंगफली थ्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज हम आए हैं राजकोट गुजरात में। इस मशीन के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये देखिए किसान भाइयों, इसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम आशीष भाई है जी। तो सर ये इसके बारे में बताओ आप, मशीन के बारे में। 35 एचपी ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला मशीन है। 35 एचपी के पीछे लगेगा? 35 से 55 एचपी तक पीछे, सबके पीछे चलता है। अच्छा अच्छा। इसमें मूंगफली, तुवेर जी, उड़द यानी कि जो कठोर रहता है वो सब निकलता है। उड़द की दाल, तुवर और मूंगफली थ्रेसिंग करती है। थ्रेसिंग चना, अच्छा अच्छा, चना जो बोल रहे हैं चना, वो सब निकलती है जी। जी, रिजल्ट बेस्ट रहेगा। अच्छा अच्छा। और दूसरा जी, यहाँ पेडिसन लगने वाला है। अच्छा, और गियर बॉक्स लगने वाला, ये गियर बॉक्स लगने वाला है। इस तरफ भी गियर बॉक्स लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ भी ये गियर बॉक्स लगता है। इसके ऊपर एक साल की वारंटी मिलती है। अच्छा, एक साल की वारंटी रहती है। दूसरा सब जो बेयरिंग सब पेडिसन लगने वाला है उसमें भी एक साल की वारंटी रहती है। दूसरा इधर आ जाइए जी, दिखाइए। यहाँ से ये माल इसके ऊपर, यहाँ से मूंगफली डालेंगे। अच्छा, अच्छा। कोई भी माल है जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से डालेंगे जी। फिर यहाँ से उसके पीछे और जो चारा निकलने वाला है वो सब यहाँ से, भूसा भूसा इधर से निकल जाएगा, भूसा उधर से निकलने वाला। आपका दाना कहाँ से निकलेगा? दाना यही बता देता हूँ, दाना है वो उस तरफ आ जाएगी जी। दाना यहाँ से निकलेगा, यहाँ से दाना निकलता है, यहाँ से भी निकलेगा। ठीक, दोनों तरफ से निकलेगा। अच्छा, अगर कोई हमारी वीडियो देखकर भारत में कहीं भी मंगवाना चाहता है तो उसके लिए क्या सुविधा है? उसके लिए ट्रांसपोर्ट, ये रेट है फैक्ट्री रेट है। जी जी जी, यहाँ से ट्रांसपोर्ट रेट है। अच्छा। वो उसको पार्टी, जो सामने लेने वाली पार्टी है उसको देना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। पार्टी रेट जी जी, लेकिन उसका अरेंजमेंट हो जाएगा कि यहाँ से उसको कोई भी राज्य में ले जाना है, भारत के किसी भी कोने में किसी भी जिले में ले जाना है तो उसका अरेंजमेंट हो जाएगा। अच्छा। और उसके दूसरा ये भी है कि इसमें आपको सर्विस भी मिल सकती है। अगर आपको एक साल के अंदर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको सर्विस भी मिल सकती है। अच्छा अच्छा। सर और कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं? चलो आइए, मिनी ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली भी मशीन बनती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिनी ट्रैक्टर के पीछे लगने वाली थ्रेसर मशीन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर कोई किसान भाई इन मशीनों को परचेस करना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर सर ने दे दिया है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और भारत में कहीं पर भी ये मशीनें आप मंगवा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी मशीन, अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं। देखिए राजकोट में एक कंपनी है, ऑन रोड कंपनी है, ये भी यहाँ पे खड़ी हुई है। और ये छोटी वाली है, देखने में तो वो उतनी बड़ी लग रही है सर, देखने में लग रही है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये 15 एचपी से लेके 25 एचपी तक चलने वाली मशीन है। ये छोटी ट्रैक्टर चला देगा? हाँ, छोटी ट्रैक्टर 15 एचपी से लेके 25 एचपी तक का ट्रैक्टर इसमें चला देगा। अच्छा, इसकी कैपेसिटी क्या है घंटे में? एक घंटे में ये मूंगफली कितना निकाल देगी? मूंगफली उसमें क्या रहता है कि आपका जो जमीन का उत्पादन कैसा है उसके ऊपर रहता है। अच्छा अच्छा। हमारे इधर रहता है तो ये एक घंटे का कम से कम, जैसे एकड़ में बोलते हैं तो एक घंटे में वो आधा एकड़ के आसपास निकल जाता है। 3 बीघा बोलते हैं तब से ही ये काम करेगा। अच्छा। लेकिन ये लगती है छोटे ट्रैक्टर में, मूंगफली कठोर, मूंग गड़द, ये सब तुवेर दाल चना ये सब निकालती है। सब निकालती है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही ठीक है, उसका सेम छोटा मॉडल है। ठीक है, साइज छोटा। ये देखे किसान भाई, ये उसका छोटा मॉडल है, ये देख ले, देख लो आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, किसान भाइयों को शेयर करें। अगर आप इस मशीन को खरीदना चाहते हैं तो सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है, आप इनसे सारी जानकारी ले सकते हैं और भारत के किसी कोने में भी ये मशीन लगा सकते हैं, मंगा सकते हैं। ठीक है, अगर और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।